भारतीय लोग क्रिकेट को धर्म की तरह मानते हैं तो वहीं खिलाड़ियों को भगवान की तरह पूजा जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर क्रिकेटर को ये मान मिलता हो। कुछ बदनसीब ऐसे भी हैं जो चंद रुपयों के लिए तक तरस जाते हैं। देखिए अजमेर से समय राजस्थान की ये स्पेशल रिपोर्ट। क्रिकेट को भारत में एक लोकप्रिय खेल माना जाता है, लेकिन इसी खेल के कई दूसरे और पहलू भी हैं। एक ओर है दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई, तो दूसरी ओर 2012 के दृष्टिबाधित भारतीय क्रिकेट टीम के विश्व विजेता पैसे पैसे को मोहताज हैं। बीसीसीआई अपने खिलाड़ियों पर लाखों करोड़ों रुपए न्योछावर कर देती है, लेकिन दृष्टिहीन खिलाड़ियों को देने के नाम पर उसके पास कुछ भी नहीं है। वहीं पाकिस्तान का गरीब क्रिकेट बोर्ड दृष्टिहीन अपने क्रिकेटरों पर फंड का 1% खर्च करता है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी तो पाकिस्तान में हो रहे क्रिकेट टूर्नामेंट में जाने के लिए इन खिलाड़ियों को सामाजिक संस्थाओं के आगे हाथ फैलाने पड़ रहे हैं। कभी भी बीसीसीआई से कोई सपोर्ट ना मिला है, ना फ्यूचर में आश्वासन हमें उन्होंने दिया है, जबकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो बहुत गरीब क्रिकेट बोर्ड है, फिर भी वो 1% अपने अमाउंट से ब्लाइंड क्रिकेट को सपोर्ट करता है। ऐसा नहीं है कि बीसीसीआई की अनदेखी दृष्टिहीन क्रिकेटर खिलाड़ियों के हौसलों की उड़ान रोक पाएगी। इन खिलाड़ियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि ये अपने आप को धोनी सचिन से कम नहीं मानते हैं। हम ये चाहते हैं कि बीसीसीआई आज नहीं तो कल इसको उन्हें स्वीकार करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम भी महेंद्र सिंह धोनी या सचिन तेंदुलकर से किसी भी सूरत में कम नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने यहाँ दृष्टिबाधित क्रिकेट टीमों को न सिर्फ मान्यता दे चुका है, बल्कि जरूरत पड़ने पर उनकी हर संभव मदद भी करता है। ऐसे में तो अब जरूरी हो गया है कि बीसीसीआई को भी दृष्टिहीन क्रिकेटरों को लेकर अपनी राय बदल देनी चाहिए। राधेश्याम गोयल, समय राजस्थान, अजमेर।